अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से अपना एक AI बेस्ड मोटिवेशनल चैनल बना सकते हैं, हेल्थ चैनल बना सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस टाइप में आप लोग अपना चैनल बना सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के रिलेटेड हो, इस्लामिक वाक़यात के ऊपर हो, या फिर किसी भी किस्म का हो, जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा AI का यूज़ करेंगे। आप लोगों ने उसके अंदर बस थोड़ा सा काम करना होगा, बाकी सारा काम AI ने करना है। वीडियो जो बनेगी वो आपकी अपनी आवाज़ के अंदर बनेगी, जबकि आपने उसमें बोलना भी नहीं है। उसके अलावा जो वीडियो में क्लिप्स है वो उसने खुद से लगा देने, आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसका एक सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपनी आवाज़ के अंदर बनवाया है, तो आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग इस वीडियो में क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। इसका नाम अली था। अली के पास दुनियावी दौलत तो न थी, लेकिन इसके दिल में एक बड़ी दौलत थी, इसका मुस्बत रवैया। जिंदगी की मुश्किलात इसके लिए एक खेल जैसी थी। हर मुश्किल के सामने वो एक मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो जाता। तो जैसा कि आप लोगों ने सैंपल देख लिया, आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि हम लोग इस वीडियो में क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि उसके अंदर जो आवाज़ है वो मेरी ही आवाज़ है, वो जबकि उसके अंदर मैंने बोला एक लफ्ज़ भी नहीं है, सारा का सारा AI ने मेरी आवाज़ के अंदर मुझे बना के दिया। तो आप लोगों ने ये सारा काम कैसे करना है, उसके लिए आप लोग दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप लोग ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है तो ये काम थोड़ा सा आसानी के साथ आप अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक वेबसाइट का। वेबसाइट को चाहे आप अपने मोबाइल से एक्सेस करें, चाहे आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस करें, कोई फ़र्क नहीं होता। आप लोगों ने सिंपल गूगल में जाकर सर्च कर लेना है इन वीडियो AI। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोगों ने ये जो सेकंड वाला है फ्री AI वीडियो जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक ऐसी वेबसाइट शो होगी। आप लोगों ने देख लेना कि आपका ये जो है ना पिंक वाला है, पिंक जो है ना वो हो इन वीडियो AI, ठीक है। अगर आपका ये स्टूडियो वाला होगा ना तो इसमें फिर आपको इशू का सामना करना पड़ेगा। आपने सिंपल इन वीडियो AI को ही चूज़ करना है और यहाँ पर आपने जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। हमने इसे एक टाइटल दे दिया कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, तो हमने ये इसे टाइटल दिया और यहाँ पर मैं इसे जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। जनरेट वीडियो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, हमने इसे टाइटल दिया। अब उसने हमसे पूछा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं या यंग अडल्ट्स हैं। मैं कहता हूँ जी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लोग इस वीडियो को देखना चाहेंगे, ठीक है। वीडियो का टाइटल उसने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, अनलॉकिंग सक्सेस योर अल्टीमेट गाइड, ठीक है। और यहाँ पर लुक एंड फील आप कैसी बनाना चाहते हैं, क्लीन, ब्राइट या इंस्पायरेशनल। मोटिवेशनल वीडियो है तो इंस्पायरेशनल होगी लाजमी तौर पर। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब। मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करके इसे कंटिन्यू करता हूँ सिंपल। अब जो हमारी वीडियो है वो बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी होंगी, वो मिस्टेक्स आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। जो मैंने आपको कहा था ना कि आपकी थोड़ी सी एफर्ट है वो यही है कि आपने इसमें से थोड़ा बहुत देखना है कि जो क्लिप्स इसके साथ रिलेट नहीं करते आपने उन्हें चेंज करना है। वो कैसे करना है वो आगे चल के बताता हूँ, और अगर आप लोग अपनी वॉइस को यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी वीडियो बनकर आ चुकी है, आप लोगों का इसको मैं सुना देता हूँ एक बार कि कैसी बनी है। अभी इसके अंदर हमने वॉइस वगैरह चेंज करनी है। Why are there not more people talking about their real secrets to success? Let's spill the beans. Success starts with setting goals. Dream big, but also set small daily goals. Step by step, you'll get there. Stay organized. Use planners or apps to track your progress. अगर आप लोग इसके अंदर कोई भी क्लिप चेंज करना चाहें, जैसा कि ये है जी, या फिर इसके अंदर कोई भी क्लिप है आप उसे चेंज करना चाहते हैं, आपने सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास होप वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, ठीक है, फेल्ड, तो हमने यहाँ पर फेल्ड के रिलेटेड लगाना है। उसने यहाँ पर होप के रिलेटेड लगा दिया तो उसका भी मीनिंग बनता है, लेकिन हम यहाँ पर फेल के रिलेटेड लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से नीचे से जो लफ्ज़ है ना फेल्ड, इसे सेलेक्ट करना है, और ये ऊपर से क्लिप हमारा सेलेक्टेड है, यहाँ पर सर्च में आके हमने सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इंक्लूड प्रीमियम स्टॉक को आप रहने दीजिएगा, बगैर के यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये फेल वाला ये लगा सकते हैं आप, ठीक है, ये लगा सकते हैं, जो आपको क्लिप अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से आपने अपनी मुकम्मल वीडियो को देख लेना, जहाँ पर आपको जो क्लिप है वो चेंज करने होंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और यहाँ से सिंपल इसे अप्लाई कर दीजिएगा। अब जो क्लिप है वो चेंज करना आप लोगों को आ गया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो म्यूज़िक है वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने वो चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये म्यूज़िक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा।
ठीक है, और इसे मैं यहाँ से अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो वीडियो के अंदर जो भी म्यूज़िक लगा होगा वो सारा का सारा म्यूट हो जाएगा, सिंपल हमारी जो ऑडियो है वो रहेगी और हमारी वीडियो चलने लग जाएगी। ठीक है, ये सारा काम हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप लोग इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल यहाँ पर लिखेंगे जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख के बस जनरेट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी ये जो वीडियो है ये उर्दू में ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी वीडियो जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है, इसे हम लोग एक बार सुन के देखते हैं। एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके तलाश किए हैं जो काम नहीं करेंगे। मुसब्बित रहें, अपने आप को सपोर्ट करने वाले लोगों से घेर लें उनकी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लफ्ज भी नहीं बोला और इसने हमारी जो वीडियो है वो सारी की सारी मेरी ही आवाज़ के अंदर जनरेट करके दे दी है। और अच्छा, अब ये सारा काम हमारा हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर सबटाइटल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे ऐड सबटाइटल तो वो सबटाइटल ऐड कर देगा। उर्दू में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, इंग्लिश में ऐड कर देगा। ठीक है, और जब ये सारा काम हो जाए आप लोगों ने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना और डाउनलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप लोगों के पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी अगर आप लोग वाटरमार्क चाहते हैं तो, वाटरमार्क नहीं चाहते तो आप लोगों को इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी अगर आप लोग जैसे कि मैंने ली हुई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बगैर सब्सक्रिप्शन के काम चलें तो आप लोगों को वाटरमार्क साथ में मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नो वाटरमार्क कर देता हूँ, नन कर देता हूँ और 1080p के ऊपर क्लिक करके इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे जो क्रेडिट्स हैं वो यहाँ पर ज़ाया होंगे। तो मैंने ये आप लोगों को सिखाना था, सारा काम मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। तो अब आप लोगों ने अपनी अगर वॉइस यहाँ पर ऐड करनी है उसके लिए आप लोगों ने ये जो 3 lines है इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और वॉइसिस के अंदर चले जाना है। वॉइसिस के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मैं अभी यहाँ पर 2 ही voices ऐड कर सकता हूँ तो इसलिए मैं ये वाली लास्ट वाली जो है वो रिमूव कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो अब आप लोगों ने सिंपल ये जो ऑप्शन है ना ऐड वॉइस इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे ऑप्शन मांगेगा चूज फाइल, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें पढ़ना जरूरी है। वो क्या है जी, सबसे पहले सबमिट रिकॉर्डिंग ऑफ एटलीस्ट 30 seconds, कम अज कम भी 30 seconds की आपकी जो ऑडियो फाइल होनी चाहिए और उसके अंदर ये जो लाइन है ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर बोली हो। उसके बाद आपने यहाँ पर पॉजेज के सेंटेंसेस के अंदर आपने रुकना है, जहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, मतलब कि जैसे आप कैजुअली बोलते हैं उसी अंदाज से आपने बोलना है। कहीं पर आप रुकें, कहीं पर आप बोल लें, जैसे आप आमतौर पर गुफ्तगू करते हैं उसी हिसाब से। उसके बाद हाई क्वालिटी जो माइक वगैरह यूज़ करें ताकि आपको जो आउटपुट है वो भी हाई क्वालिटी में मिले। तो ये सारी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ये फाइल जो है ना वो अपलोड कर लेनी है अपनी। जैसे आप अपनी ये फाइल अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास 4 checkboxes आ जाएंगे, आपने उनके ऊपर क्लिक करके डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे वो चेक करेगा कि आपने ये सारे जो रूल हैं ये फॉलो किए हैं या नहीं। अगर फॉलो किए होंगे तो आपको कहेगा ऐड वॉइस, तो आप ऐड वॉइस कर लेंगे सिंपल। जब आपकी वॉइस ऐड हो जाएगी आप सिंपल यहाँ पर पेंसिल के ऊपर क्लिक करके अपना नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के बाद अब आप चाहे जहाँ पर मर्जी अपनी वॉइस को इन वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसने मेरी वॉइस को यूज नहीं किया, इसने कोई दूसरी वॉइस यूज कर ली है। तो हम लोग इसे कमांड देंगे कि यूज माई ओन वॉइस। ठीक है, और यहाँ से हम जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वॉइस है वो लगाना शुरू कर देगा। एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके तलाश किए हैं जो काम नहीं करेंगे। मुसब्बित रहें, अपने आप को सपोर्ट करने वाले लोगों से घेर लें। और अगर आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसे जाकर वॉच कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।